हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति में उसकी एप्लीकेशन अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्नयन कोण, यदि हम व्यक्ति खड़ा है और वो ऊपर मीनार का शिखर देख रहा है, मान लो यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ और शिखर देख रहा है, तो उसका क्षितिज से जो बना हुआ कोण होता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यह उन्नयन कोण है। तो इसमें नोट करेंगे कि यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्षितिज कौन सी रेखा होती है, यह रेखा ए बी रेखा क्षितिज है, उसके साथ बना हुआ कोण उन्नयन कोण होगा। तो क्षितिज उन्नयन कोण के लिए हम देखते हैं कि क्षितिज स्तर से हमको वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए जब हम सिर ऊपर उठाना पड़े तो समझ लीजिए कि ये उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण के लिए हमको यदि हम ऊपर खड़े हैं, इसमें देखिए आप एक लड़की ऊपर खड़ी है और वो नीचे की वस्तु देख रही है, और क्षितिज रेखा कौन सी है, क्षितिज या समानांतर रेखा गई हुई है, ये क्षितिज रेखा है। तो इसके साथ आपकी दृष्टि की यह जो कोण होगा वह अवनमन कोण होगा, ठीक है। और अवनमन कोण के लिए हमको सिर नीचे झुकाना होता है। तो ध्यान रखना, उन्नयन कोण के लिए हमको सिर ऊपर उठाना पड़ता है और अवनमन कोण के लिए हमको सिर झुकाना पड़ता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। इसमें सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो आप यहां देखिए, और यह भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक खंभा खड़ा है ए बी, और ए बी पर एसी जो है रस्सी है। ए बी क्या है, यहाँ पर खंभा है और एसी क्या है, रस्सी, और इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना ऊंचाई h है और इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, h, और इसका मान किसके बराबर होगा, ए बी के। क्लियर। तो हम देखते हैं साइन थर्टी इक्वल लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, एच, और कर्ण का मान कितना है, 20 मीटर, और साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2h = 20। दिस इंप्लाई h = 20/2 = 10 meters। तो आपका ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहां देखिए,
कि जमीन पर एक पेड़ है, उसका आधा स्थित है और आधा गिर करके यहां झुक गया, ठीक है। और कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। और इसके साथ लिखा हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो यहां जो लंबाई है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि यह ऊंचाई है h और यह कर्ण है, कर्ण को हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं tan 30 इक्वल लंब बटे आधार h अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू tan 30, और tan 30 कितना होता है? 1/2 साइन 30 होता 1/2 ओवर √3/2, तो जो जाएगा 8 इंटू 1/√3। क्लियर। अब हमको हम इसमें cos 30 की वैल्यू लगाते हैं। cos 30 क्या होता है? आधार, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है? 8, और कर्ण कितना है? x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 8 अपॉन cos 30। तो 8 और cos 30 कितना है? √3/2। तो ये हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा तो 16/√3। क्लियर। तो पेड़ की ऊंचाई पेड़ दो हिस्सों में हो गया है, आधा टुकड़ा h है और आधा x है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? h प्लस x। तो हम यहां देखते हैं कि h का मान है 8/√3 और x का मान है 16/√3। तो टोटल हो जाएगा 24/√3। तो √3 इसका मान आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि से 80 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है और डोरी का झुकाव 60 अंश है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना। तो यह देखिए, यह जमीन है और पतंग कितना ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा पतंग की, यहां पतंग है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। और यह डोर है, डोर को हमने क्या किया? एक सिरे से नीचे से बांध दिया। और कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। तो पतंग की डोर की लंबाई x है मान लो, तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने यहां पर माना डोरी की लंबाई x, तो इसमें आपका साइन का सूत्र लग जाएगा, साइन 60 इक्वल,
लंब बटी कर्ण, लंब कितना है 60 अपॉन एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 60 अपॉन साइन 60, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 कितना होता है रूट 3 अपॉन 2। तो यह आपका आ गया 120 अपॉन रूट 3, और इसको आप 40 रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर?